हेलो फ्रेंड्स, आज हम एकदम वेस्ट मटेरियल में से गणपति जी के लिए हम मंडप बनाएंगे घर पे ही। तो ये अमेज़ॉन के ये कुछ शीट्स है जो मैंने संभाल कर रखी थी, और साथ ही में मैंने बहुत सारे वेडिंग कार्ड्स संभाल के रखे थे, तो वो आज सारे पुराने वेडिंग कार्ड्स मैंने बाहर निकाले। साथ ही में मैंने घर के ही मिट्टी में से, घर के फ्लावर पॉट की मिट्टी में से ही मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाई है, और उसके ऊपर मैंने अबील गुलाल और चंदन और कुमकुम से कलर किया है। प्योरली इको फ्रेंडली गणपति है। सिर्फ ये माला ही मैंने यहाँ पे डाली है, वो हम निकाल देंगे विसर्जन के वक्त। तो कम्प्लीटली मैंने कोई भी केमिकल वाला कलर यूज़ नहीं किया है। तो गणपति मंडप बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्लेस डिसाइड करनी है। तो ये टेबल है, उसके ऊपर मैं गणपति जी की स्थापना करूंगी। तो ये वॉल है, और यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रू या ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। तो हमें स्क्रू या इसकी हेल्प के बिना ही हमें मंडप डेकोरेट करना है, इसीलिए हमें एकदम हल्की चीज़ें लेनी होगी मटेरियल में। अब ये जो शीट है तो मैंने दो साइड से फोल्ड की है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो हम इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। आप देख सकते हो साइड पे से, आप उस तरह से आप अपने हिसाब से ले सकते हो डायमेंशंस। तो इस तरह से हम जॉइंट करेंगे, तो जैसे कि ऊपर शेड बनाया हो उस तरह से इसका फिनिशिंग होगा। इस तरह से हम पेपर सेलोटेप की हेल्प से ये सारी एजेस जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये जॉइंट कर ली है, तो इस तरह से ये मैंने जॉइंट कर लिया है। ट्रायंगुलर शेप इस तरह से रखा है। जो हम ये जो टेबल है इसके ऊपर दीवार पे इस तरह से स्टिक करेंगे, इस तरह से। तो स्टिक आपको सेलो टेप से ही करना है, पेपर सेलो टेप से, यहाँ पे सेलो टेप लगा के, वो हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, मैंने सारे वेडिंग कार्ड्स, थोड़े जो मुझे ज़्यादा पसंद थे, वो इस तरह से निकाले, और उसमें से कुछ ये प्रिंटेड फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। तो ये कवर हम ओपन कर देंगे सीजर से, ये पूरा कवर, और ये जो पर्टिकुलर स्टैंडिंग पार्ट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके रिलेटेड ही मुझे ये दूसरा पेपर मिला है, ये वेडिंग कार्ड का ही है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। और साथ ही में इसके आसपास हम इस तरह से ये सिंपल पेपर्स यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हर एक वेडिंग कार्ड के नीचे यहाँ पे हम फेविकॉल लगा देंगे, तो इससे इजीली जल्दी फेविकॉल से ये वेडिंग कार्ड्स जो है सारे अच्छे से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना स्टिक कर लिया है फेविकॉल से। अब ये जो इतना पर्टिकुलर पोर्शन बाकी है, तो हम इसी कलर की एक और वेडिंग कार्ड मैंने लिया है, जिसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फिनिशिंग किया है ये स्ट्रिप लगाकर, ये भी मैंने वेडिंग कार्ड में से ही कट करके लगाई है। और बैक साइड मैंने इस तरह से पूरा वाइट पोर्शन रखा है। ये जो गणपति की सर्कल में जो डिज़ाइन है कंकोत्री की, वो हम कट कर देंगे। ये दूसरी शीट है जिसको हम बैकग्राउंड में रखेंगे पीछे की साइड। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से वेडिंग कार्ड्स लगाए हैं, और इस तरह से सेटिंग किया कि बीच में ये पूरा कार्ड आए, और दोनों साइड हम रेड कलर का पोस्टर लगाए इस तरह से। ये कंकोत्री का ही है, वेडिंग कार्ड का ही है, और दूसरा जो है वो रेड कलर का हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करके। ये और एक वेडिंग कार्ड का पेपर निकला, तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिक करूँगी रूफ़ के बैक साइड पे। ये जो रूफ़ है इसके बैक साइड पे इस तरह से यहाँ पे स्टिक करूँगी। अब ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो टेबल के ऊपर इस तरह से वॉल के इस तरह से मैं स्टिक करूँगी टेबल के ऊपर। तो उसके लिए बैक साइड पे हम इस तरह से ये पेपर सेलो टेप ही आपको यूज़ करना है। इसका जो फिनिशिंग है और जो सिक्योर, ये बहुत ही सिक्योर रखेगा, निकलने नहीं देगा इसको। सो इस तरह से यहाँ पे मैंने सेलो टेप लगा दी है इस तरह से सी शेप में, और ये वॉल के साथ स्टिक हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये स्टिक कर दिया है सेरो टेप से, और साथ ही में एक धागा ऊपर की साइड स्टिक किया है, जिसे जिसे 10 दिनों तक ये अच्छे से सिक्योर हो। अब नीचे बेस बनाने के लिए इस तरह से हम ये पेपर, मैंने अभी तक स्टिक नहीं किया है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और सेलो टेप से इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। साथ में इसके हम दो इस तरह से पिलर्स बनाएंगे। इस तरह से वेडिंग कार्ड में से ही कम्प्लीटली ये हमने इतना वर्क फिनिश किया है। पहले ये जो पिलर था उसको ये कार्ड के नीचे हमने स्टिक कर दिया सेलो टेप और फेविकॉल से। इसके बाद ये वाला कार्ड इस तरह से यहाँ पे स्टिक किया, यहाँ पे इस एक और वेडिंग कार्ड की इस तरह से स्ट्रिप काट कर यहाँ पे स्टिक की, सिमिलरली यहाँ पे किया। ये हमने नीचे की साइड बेस पे स्टिक नहीं किया है, ऐसे ही है। अब इस तरह के जो मनी कवर होते हैं वो भी मैंने संभाल के रखे थे, तो उसमें हम ये पेस्टली शेप शेप कट करेंगे जो मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टिक किया है। सो इस तरह से ये पूरा मंडप तैयार हुआ है, कम्प्लीटली वेडिंग कार्ड में से हमने बनाया है। अब ये जो कवर है उसके ऊपर ये प्रिंट है जो कि बहुत ही अच्छी है, तो हम इस तरह से कट कर देंगे, लाइक पेंटिंग जैसा इसका लुक आ रहा है इसलिए। तो जो हमने कट किया था पेपर वो हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा ब्राउन पेपर है, तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिक करके यहाँ से वापस कट करेंगे और फ्रेम बनाएंगे। तो इस तरह से अब ये जो रेडी हुआ है वो हम यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो अब आप इसका गेटअप देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने क्रोशे वर्क के सारे वीडियोस अपलोड किए हैं निजेस क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल में, तो उसमें जो जो मैंने क्राफ्ट बनाया है तो वो सब मैंने यहाँ पे डेकोरेशन किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 फूलदानी रखी है, ये गणपति जी की जी भी मैंने क्रोशे में से बनाए है, और उसकी वीडियो भी आपको उसी चैनल में मिल जाएगी निजेस क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल में। और साथ ही में ये तोरण बनाया है, बीच में हमने ये चिड़िया रखी है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी दोनों ट्यूटोरियल। ये मैंने कैसे बनाया हैंगिंग और ये चिड़िया मैंने कैसे बनाई, तो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी उसमें। और भी कुछ फ्लावर्स और वो सब है वो मैं डेकोरेशन में यूज़ कर रही हूँ, तो सारी घर की बनाई हुई चीज़ें ही है वही हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो ये मंडप का फाइनल लुक है, कम्प्लीटली हमने वेस्ट मटेरियल में से बेसिक डेकोरेशन किया है। ये सीलिंग देख सकते हो, वेडिंग कार्ड जो है उसके जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ही थिक और एकदम अट्रैक्टिव कलरफुल होते हैं, वैसे हम स्टेशनरी में से खरीद के भी इतना हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता।